सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ् कर्ववहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है निरंतरता के साथ हम यह जो कल्याण का पथ है इस कल्याण के पथ के लिए नित्य स्वाध्याय करते हैं और वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है हम विधि और निषेध समझते हैं क्या करना है जीवन में क्या नहीं करना है हमें किनके संपर्क में रहना है किनके संपर्क में नहीं रहना है ऐसे जीवन को परिपूर्णता से जीने का जो प्रशस्त मार्ग है वह हमको वेदों के उपदेश से ही सीखना है यही शिक्षा हमारे जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण कर देती है हम यज्ञशील बनते हैं हम कल्याणकारी लोगों के संपर्क में रहते हैं निसंदेह है इसमें कोई संदेह नहीं है जब तक हम सत्संग के माध्यम से वेदों के उपदेश के माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से या जो सात्विक उपाय हैं उन सात्विक उपायों का जब तक अपने स्वभाव में अपने आचरण में उनको उतारेंगे नहीं अर्थात नित्य प्रति स्वाध्याय नित्य प्रति सत्संग अच्छे लोगों की संगति में रहना और जितना हो सके उतना पढ़ने का जो वेदों के स्वाध्याय का अवसर हमको अवश्य निकालना चाहिए तो निसंदेह हम बहुत ही सुंदरता से जीवन को जी पाएंगे आज हम ऋग्वेद के पांचवे मंडल के इकतालीसवें सूक्त के नवे मंत्र का स्वाध्याय आपके समक्ष करेंगे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो हम किनके संग में रहें और जीवन क्योंकि संग्राम है यह जीवन संग्राम होता ही रहता है और संग्राम के विषय में भी बहुत सुंदर बात कही थी जो चौथा मंत्र है उसमें भी निज जीवन को संभाल करके चलने वाला व्यक्ति जो जीवन जीता है जीवन में संग्राम है और उन संग्रामों का सामना यशस्विता के साथ तेजस्विता के साथ वीरता धीरता गंभीरता के साथ कौन कर सकता है जो वास्तव में इस वेद के उपदेश को जीता है इस वेद के आदेश संकेत को मानता है पुनः आज हम इस नौवे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं आपके समक्ष वेद मंत्र को लिखता हूं फिर आगे चर्चा करूंगा ओम तो जे नस्तने पर्वता सन्तु शैतवो ये स्वैतवो ये वसवो न वीराह वस्वो न वीराह पनिता आप्त्यो यजत सद नो वर्धन वर्धा है नर्यो अभिष्टौ ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के इकतालीसवें सूक्त का यह नवा मंत्र है ओम तुझे नस्तने पर्वतावो ये वसवो न वीरा पनिताप्त्यो यजता सदानो वर्धा नः शस समनर्यो अभिष्टो ॐ तुझे नस्तने पर्वताह संतु स्वैतवो ये वसवो नवीराः पनिताप्त्यो यजता सदानो वर्धा नः शस्तम नर्यो अभिष्टो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यज्ञशीलता उत्पन्न तभी हो सकती है यदि बाल्यकाल से ही हमें उत्तम साधकों का उत्तम लोगों का उत्तम पुरुषों का संपर्क प्राप्त हो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि न हमारे तुझे पुत्रों के लिए तथा तने पौत्रों के लिए पर्वताहा जीवन को उत्तमताओं से भरने वाले आचार्य स्वयं स्वयं प्राप्त होने वाले हों, प्रभु कृपा से हमारे पुत्र पौत्र ऐसे आचार्यों को प्राप्त करें ऐसे उत्तम आचार्य मिले कि वे आचार्य उन पुत्र पौत्रों को उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव वाला बना दें माता पिता का यह कर्तव्य है बड़ों का यह कर्तव्य है कि बाल्यकाल से ही अपने संतानों को उत्तम शिक्षा दें और ऐसे उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले आचार्यों की सन्निधि में उनको रखें जिससे वे अपने स्वभाव को अपने संस्कार को अपने सेवा सत्कार हर प्रकार के परिष्कार से युक्त हो जब माता पिता और गुरु तीन उत्तम शिक्षक संतानों का निर्माण करते हैं तो वे सर्वोत्तम जीवन जीने वाले होते हैं प्रथम गुरु माँ है दूसरा गुरु पिता है तीसरा जो अक्षर ज्ञान देने वाला है जो आत्म ज्ञान देने वाला है वह जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही उस संतान का उस पुत्र पौत्र का कल्याण होगा तो यहां पर यही प्रार्थना की है कि जो उत्तम से उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले हों अच्छे उच्च चेतना में जीने वाले आचार्य हमारे पुत्र और पौत्रों को मिले प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा जो होती थी और आज यहां जो परमपुर श्री स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में आचार्य जी के मार्गदर्शन में यह गुरुकुल जो वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली जिससे हजारों की संख्या में यहां पर बच्चों का संस्कार उनका सदविचार सदव्यवहार जो वैदिक है वेदानुकूल है उस संस्कार में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं हम जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के कारण ऐसे समर्थ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करते हैं इसलिए प्रयासपूर्वक प्रयत्नपूर्वक हमको उत्तम शिक्षक उत्तम आचार्य मिले इसका हमको पुरुषार्थ करना चाहिए माता पिता भी पुरुषार्थ करें कि उनको श्रेष्ठ आचार्य जहाँ हो वहाँ उनकी संतानें पढ़ें आगे बढ़ें तो यहाँ यही बात कही है कि वह स्वयं प्राप्त होने वाले हों वे आचार्य जो कि न जैसे वे वसवा निवास को उत्तम बनाने वाले हैं वैसे ही वीरा हा। वीर धीर गंभीर जो हैं जो कायर के कमजोर के संपर्क में तो वे बालक कायर ही बनेंगे जैसा व्यक्ति का संग होगा वैसा व्यक्ति का रंग होगा और श्रेष्ठ आचार्यों की संगति में यदि रहेंगे विद्यार्थी श्रेष्ठता तो से उत्तमता से युक्त तो होंगे इसलिए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा कहा है जितना उत्तम शिक्षक होगा जितना उत्तम अध्यापक होगा उतना ही उत्तम उसका शिष्य होगा और वह शिष्य वह छात्र वह पुत्र वह संतान कभी भी पराजित नहीं होते वे वीरता के पर्याय होते हैं वे अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं और कहा पनीता पनितम अस्त अस्तिति सदा स्तुतिमय जीवन वाला आपते सब औचित्यों से युक्त आपती यजत हाँ। यजत हाँ यजनशील पुरुष सदा हमेशा न हमें वर्धात बढ़ाने वाला हो इसके संपर्क में आकर हम भी ऐसा ही बने नर्य अर्थात सब मनुष्यों का हित करने वाला यह व्यक्ति अभिष्ट वासना रूप शत्रुओं पर आक्रमण के निमित्त न संसम हमारी स्तवन की वृत्ति को बढ़ाने वाला हो इसके संपर्क में हम भी प्रभु के स्तवन करने वाले बने और इस प्रकार काम क्रोध आदि को पराजित कर सकें काम क्रोध लोभ मोह की जो ईर्षा की जो स्थिति है यह कदाचित उचित नहीं है क्योंकि इसकी श्रेणी में जो लोग आते हैं इसके चंगुल में जो फंस जाते हैं इसके जाल में जो फंस जाते हैं वे धराशायी हो जाते हैं पतित हो जाते हैं उनका पूरा जीवन दुखमय हो जाता है इसलिए शिक्षा दीक्षा अच्छी हो अच्छे गुरु आचार्य मिले ऐसे कृपा उस परमात्मा के द्वारा हमको प्राप्त हो हमारी जो मूल प्रकृति है हमारा जो औदार्य है हमारा जो पवित्रता का शुचिता का समरसता का स्वभाव है वह बना रहे हम सदा कल्याणकारी जीवन जीने वाले बने यज्ञशील बने यजन करने वाले बने हम सदा बढ़ें हम सदा वृद्धि को प्राप्त हो उन्नति को प्राप्त हो अवनति को नहीं कोई भी जीवन में अवनति नहीं चाहता सब चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो हमारा उत्कर्ष हो अपकर्ष न हो लेकिन अपकर्ष कब रुकेगा जब हमारे अंदर की ये जो वासना रूप शत्रु पर आक्रमण के निमित्त हमारी स्तवन की वृत्ति को बढ़ाने वाले हो ऐसे आचार्य ऐसे गुरु जो हमको प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ने वाले हो, हमको जो इस भौतिकता से अध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले हों जहां अध्यात्म मूल में हो अध्यात्म यदि मूल में है तो भौतिकता भी हमारे ऊपर हावी नहीं होती है और यदि हम मूल को छोड़कर के भौतिकता की ओर जाएंगे तो मूल को छोड़ा ये भूल हमने की तो जीवन धूल में मिल जाएगा हम श्रेष्ठ आचरण करने वाले आचार्यों की संगति में रहें जो हमको वासनाओं से अलग कर दें, हमको इन इंद्रियों के गुलामी से इंद्रियों की पराधीनताओं से ऊपर उठाने वाले हों, हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले बने इनके संपर्क में भी हम प्रभु के स्तम करने वाले बने और इस प्रकार से हम अपनी न्यूनताओं को अपनी वासनाओं को काम क्रोध लोभ आदि की जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम पराजित कर सकें हम विजयी हों इन देवासुर संग्राम में अंदर से भी बाहर से भी तो हमें उन मनुष्यों का संपर्क प्राप्त हो जो अपना पूर्ण करने वाले हैं निवास को उत्तम बनाने वाले हैं वीर हैं स्तुतिमय हैं जीवन वाले हैं सब औचित्यों से युक्त व यज्ञशील हैं इनके संपर्क में हम यज्ञशील बने स्तोता बने कभी भी भूल हमसे ना हो हम यदि उत्तम जीवन जीना चाहते हैं यदि उत्तमता से युक्त तो होना चाहते हैं तो वास्तव में हमको प्रभु की भक्ति के साथ ऐसी शक्ति मिल जाती है उपासना की शक्ति जो वासना का विनाश कर देती है और यही बात फिर अगले मंत्र में कही है दसवें मंत्र में ओम विष्णु अस्तोषी भूमस्य गर्भम त्रितो नपातमपा सुविम गृणीते अग्निरेतरी न शूष शोचिशो निति वना कहने का आशय अच्छा ये है कि मैं उस शक्तिशाली होने वाले प्राणी मात्र के हितकारी प्रभु का स्तवन करता हूँ और शरीर मन बुद्धि तीनों का विकास करने वाले त्रिन तनोती सब पदार्थ जो हैं, उनको मैं प्राप्त करूं जो मेरे लिए कल्याणकारी है जो अकल्याणकारी पदार्थ उनको कभी ना प्राप्त करूं, विश्व देव सवितर दुरीतानी पराशु यद भद्रम तन आसु की जो भावना है तो शरीर त्रिता शरीर मन और बुद्धि की शुद्धि जिससे हो जिससे इनका भरण पोषण हो ऐसे सुवृत्तिम अच्छी प्रकार सब बुराइयों का वर्जन करने वाले गृणीते स्तवन को करता है प्रभु स्तवन से हमारी सब बुराइयां नष्ट होती हैं और इन बुराइयों का नाश होता है उस प्रभु का स्तवन करता हुआ अपाम नपातम आपहरेतु भूतवा इसकी शक्ति का नाश नहीं होने देते अर्थात हमारा जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य कहाँ क्षीण हो जाता है हम अपने बल मनोबल आत्मबल शरीर बल को कब क्षीण कर देते हैं जब हम इस बुराई में फंस जाते हैं भोग भावना में क्रोध में लोभ में मोह में फंस जाते हैं इंद्रियों की पराधीनता में फंस जाते हैं तो हमारा उत्साह नष्ट हो जाता है हमारा सामर्थ्य नष्ट हो जाता है इसलिए हम मनोबल बुद्धिबल आत्मबल और शरीर बल से चित ना हो हम इसको धारण कर सके इसके लिए प्रभु की स्तुति आवश्यक है उपासना आवश्यक है और उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी वासना में नहीं फंसता है कभी भी कामनाओं में नहीं फंसता, भावनाओं में नहीं फंसता है प्रभु स्तवन से हम वासनाओं को जीतते हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वासना विनाश से शक्ति का संरक्षण होता है जब हम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो शक्ति स्वतः ही हमारे अंदर आने लगती है हम बल युक्त हो जाते हैं और अग्नि ही वे अग्रणी प्रभु न जैसे एतरी गतिशील पुरुष में ही शत्रु पोषक बलों के साथ प्राप्त होते हैं उसी प्रकार शोचिकेश्व दीप्त रस ज्ञान रश्मियों वाले प्रभु वना वासनाओं के वनों को झाड़ी झंकाणों को नि निश्चय से नष्ट कर देते हैं प्रभु क्रियामय जीवन वाले उपासकों को जो सदा अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहते हैं वेदा अनुकूल कर्मों में लगे रहते हैं आत्म अनुकूल कर्मों में लगे रहते हैं उनकी वासनाओं को प्रभु नष्ट कर देते हैं प्रभु की उपासना हमें शक्तिशाली बनाती है और हमारी वासनाओं का विनाश करती है इसलिए हम थोड़ा समय निकाल करके उसकी प्रार्थना उपासना जरूर करें यही एक उपाय है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उपासना के विनाश का और शक्तिपात शक्ति का संचय करने का तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को पर परिव्राम देंगे शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए वेद मंत्र के साथ ओम शांति शांति शांति